हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल के एम व्लॉग्स जम्मू। तो करते हैं आज के व्लॉग की शुरुआत। आज हम लोग चलेंगे जम्मू की फेमस स्वीट शॉप पर, तो मिलते हैं आपको शॉप के बाहर। हम इस टाइम पहुंच चुके हैं, जैसे कि आप मेरे पीछे इस टाइम देख पा रहे हैं, ये जो शॉप है ये है प्रेम स्वीट्स। तो अब हम चलेंगे अंदर। हमने अपना बॉक्स ले लिया है, जैसे भैया स्वीट जो है बॉक्स में डाल रहे थे, वैसे ही ना मेरी नज़र अचानक से पड़ी रसपरी पे। मेरा दिल कर गया खाने का, तो फिर अपने मन को ललचाना क्यों है भाई, जब दिखी है तो खा लो। अभी हमने ली अपनी, जैसे कि आप देख रहे, अभी हमने ली अपनी रसपरी। इसको मैं एक साइड पे रखूँगी। तो अभी यहाँ के करते हैं ऑनर से बात। तो ये है यहाँ के ऑनर से। हाय भैया, आप बता सकते हैं ये शॉप कब एस्टेब्लिश हुई थी? ठीक है, तो आपने सुना है 1925 में हुई थी। तो कितना यम्मी टेस्ट होगा यहाँ की मिठाई का। और भैया आपके ब्रांचेस कहाँ कहाँ पर हैं? हमारी एक कुछ में है, एक उधमपुर में, एक जम्मू में, एक एयरपोर्ट में, एक नरसू नाले के पास। ठीक है, ठीक है भैया। तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी जितनी भी स्वीट्स हैं वो सारी देसी घी में होती हैं? हाँ, सारी ए टू जेड। ठीक है, तो जैसे कि आपने सुना यहाँ की जितनी स्वीट्स हैं वो सारी जो हैं वो देसी घी में होती हैं। वैसे तो यहाँ की जितनी स्वीट्स हैं वो सारी रनिंग में ही हैं, पर भैया यहाँ की जो स्पेशल है वो कौन सी है? पतीसा, चॉकलेट, कलाकंद, मिल्क केक और सुन। ठीक है, हम पतीसे और चॉकलेट की ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो जैसे कि आपने सुना जो यहाँ का फेमस है वो है पतीसा और चॉकलेट। ठीक है, थैंक यू भैया। हमने अपना ले लिया बॉक्स, तो जो रसपरी देखी तो रहा नहीं गया, तो वो भी हमने की इंजॉय। वैसे एक चीज़ और बता दूं, जो भी यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, चाहे वो इंटर स्टेट हो चाहे वो यहाँ हमारे स्टेट के ही हो, वो यहाँ से तीन चीज़ें लेके ज़रूर जाते हैं। और एक है हमारे जम्मू कश्मीर की ब्यूटी, वैष्णो माता जी का प्रसाद, और तीसरी है प्रेम स्वीट्स का बॉक्स। तो कुछ ना कुछ तो वो यहाँ से ज़रूर लेके जाते हैं। यही खासियत है इस शॉप की। अभी तो इतना फ़िलहाल यहाँ पर इतना क्राउड नहीं है, बट ऑन ओकेजन्स यहाँ पर इतना क्राउड रहता है कि इतनी लंबी लाइन लगे रहती है यहाँ पर। बट फिर भी जिनको लेना है वो लाइन में खड़े होकर भी लेते हैं यहाँ की स्वीट्स। तो अब हम चलते हैं फ्रेंड्स आगे को। तो फ्रेंड्स, चलते चलते हम पहुंच चुके हैं इस टाइम समोसा जंक्शन में। तो रसपरी से पेट नहीं भरा, तो हमने सोचा थोड़ा और कुछ खा ले, तो चलते हैं अंदर। इस टाइम हम हैं समोसा जंक्शन में, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल से ये था डेकोरेटेड की गई है। आप यहाँ की डेकोरेशन देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी डेकोरेशन हुई है, और जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो भी वंडरफुल, ऐसे कलरफुल टाइप किया हुआ है, तो काफ़ी ऑसम है देखने में। जैसे कि मैं इस टाइम मेन्यू पढ़ पा रही हूँ, तो यहाँ पे है सैम चटपटा, सैम बाइट, सैम चटोरी, सैम स्पेशल, सैम स्प्रिंग, सैम टोफू। तो यहाँ पर हमें समोसे की इतनी वैरायटी मिल जाएगी, तो भाई मिलनी भी चाहिए, समोसा जंक्शन है फिर तो। जंक्शन मीन्स ज़्यादा वाला। समोसे के अलावा भी यहाँ पर हमें बहुत चीज़ें मिल रही हैं, नूडल्स हैं, मंचूरियन, गार्लिक नूडल्स, फ्राइड राइस, चिली चाप, और भी चीज़ें हैं, बर्गर्स हैं यहाँ पे, सैंडविच है, रैप्स हैं यहाँ पे, फ्राइज हैं, मॉकटेल हैं यहाँ पर, शेक्स हैं, मतलब हमें यहाँ पे हर चीज़ मिल रही है। कंपलसरी नहीं है कि हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ समोसा ही खाना। अभी हम करने लगे हैं अपने समोसे को ऑर्डर। हमारा ऑर्डर आ चुका है, जैसे कि आप देख रहे हैं इस टाइम हम अपने ऑर्डर को करने लगे हैं इंजॉय। तो उसके बाद हम मिलते हैं आपको। करते हैं यहाँ के ऑनर से बात। हेलो मैम। हेलो। तो आप शेयर करेंगे यहाँ का मेन्यू? हाँ जी मैम, हमारे पास दो फ्रेंचाइजीज है। हाँ जी, दो ब्रांड्स को लेके हम चल रहे हैं। एक तो बिग बर्गर्स के नाम से है। हाँ जी, सेकंड वन इज समोसा जंक्शन। ओके, तो समोसा जंक्शन जैसे कि वो नाम ही जस्टिफाई करता है, वैरायटी ऑफ समोसा। बर्गर्स भी हमारे पास हिल पे है, जो कि यूजली चलते हैं, लेकिन जो हमारी अपनी क्रिएटिव चेन है वो है क्रिस्पी में। ओके, पूरी चेन हमने वो क्रिएट की है, क्योंकि क्रिस्पी बर्गर्स में आती है वेज में ही है। वेज में आपको क्रिस्पी बर्गर्स में दो मिलेंगे, एक तो क्रिस्पी वेज बर्गर और सेकंड वन इज क्रिस्पी पनीर बर्गर। इसके अलावा हमारे पास क्रिस्पी में ही, जो कि बर्गर्स वाले सेक्शन में ही आता है, चीज़ कॉर्न शॉर्ट्स होते हैं, क्रिस्पी स्प्रिंग शॉर्ट्स होते हैं, वो भी एक अलग सा स्नैक्स है, जो कि बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, हेल्दी है, बहुत हेल्दी चीज़ों से बना हुआ है। ट्राई करिए, आपको डेफिनेटली पसंद आएगा। इसके अलावा हमारे पास मेन कोर्स सब है, वेजिटेरियन है बट सब मेन कोर्स है, इंडियन डिशेज में यूज़ होता है, हम लोग खाते हैं ज़्यादा। हाँ, और एक चीज़ और, चाइनीज सब है। ओके, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट एक चीज़ और जो यहाँ की सबसे, वैसे तो वो सभी रेस्टोरेंट्स में अवेलेबल होती है, वो यही है कि फ्रेंच फ्राइज, जो कि बूढ़ों से लेकर बच्चों तक सबको पसंद होती है। बिल्कुल, तो वो चीज़ें यहाँ पर है। बिल्कुल। और एक चीज़ और आपने नोटिस की होगी, हमारे जो कॉस्ट है
काफी हाँ, यहाँ के जो जितने रेट्स हैं वो रीजनेबल हैं, हर कोई अफोर्ड कर सकता है। एग्जैक्टली, आपसे दो मिनट पहले आप देखते यहाँ पे तो छोटे छोटे बच्चे आए थे जो कि अपनी पॉकेट मनी स्पेंड करने आते हैं, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक नहीं खाते आजकल। हाँ, हमारे पास आके अपने चॉइस से अपना फेवरेट स्नैक्स एंजॉय करते हैं, तो एक काफी अच्छा चीज लगता है। अगर मैम रेट्स रीजनेबल हो तो हर कोई आता ही है। बिल्कुल सर, मैम यहाँ पे रेट्स भी रीजनेबल है। हाँ जी, और उसके साथ साथ हाइजीन का पूरा ध्यान रखा जाता है, वो तो मैम आज के टाइम पे नेसेसरी है। बिल्कुल बिल्कुल, वो सबसे बड़ी प्रेफरेंस है हमारी। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। हम अपना पेड वर्कर आ गए हैं समोसा जंक्शन से, अब हम चल रहे हैं घर को। फाइनली हम घर आ चुके हैं। तो आज मैंने आपको जम्मू की फेमस स्वीट शॉप बताई और समोसा जंक्शन, जो कि दोनों एक ही एरिया में पड़ते हैं, न्यू प्लॉट एरिया में पड़ते हैं। तो आई रियली होप कि आपको मेरा आज का ये व्लॉग पसंद आया हो। तो आपको पता ही है क्या करना होता है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग के साथ। ओके, बाय।